हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए ये मैंने छोटा आधा प्याज ले लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, एक गाजर जिसका येलो पोर्शन निकाल दिया है और इसे भी बारीक कट कर लिया है, 6-7 फ्रेंच बीन्स जिन्हें भी बारीक कट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा टुकड़ा केबेज का इसे मैंने चॉपर में बारीक कर लिया है, कॉर्नफ्लोर, ऑयल, बटर, स्वीट कॉर्न, जिंजर 1/2 इंच का टुकड़ा है जिसे बारीक मैंने ग्रेट कर लिया है, लहसुन गार्लिक 1 क्लोव्स की ले ली है और उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, विनेगर। सूप बनाने के लिए ये स्वीट कॉर्न है ये 1 कप मैंने लिए हैं। करीब 1/2 स्वीट कॉर्न हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे एकदम फाइन। हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है इसे, अब हम सूप बनाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम ये थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स में बताऊंगी। थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे इसे। अब इसमें हम ये गार्लिक डालेंगे, जिंजर डालेंगे, हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसमें हम ये अनियन डालेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं, उसके बाद भी ये सूप बहुत अच्छा बनता है। हमें इसे गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोते करना है। अब इसमें हम ये कैरेट डाल देंगे, ये एकदम बारीक बारीक पीसेस किए हुए हैं कैरेट के। फ्रेंच बीन्स डाल रहे हैं हम, ये भी एकदम बारीक बारीक कट करना है आपको। और ये जो कॉर्न हमने बचा कर रखे थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इन्हें सॉफ्ट होने देंगे, फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें थोड़ा सा सोते कर लेंगे। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करना है। अब इसमें हम ये जो हमने पेस्ट बना कर रखा था स्वीट कॉर्न का ये ऐड कर देंगे। अभी इसमें हमने केबेज ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। इसे हम वेजिटेबल स्वीट कॉर्न सूप भी बोल सकते हैं। ऐसे तो ये सभी मौसम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ख़ास सर्दियों में गर्मा गर्म सूप पीने का मज़ा ही कुछ और आता है। यह सूप यंगस्टर्स, बच्चे और बड़े सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाना बड़ा आसान होता है और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। आज मैं ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न से सूप बना रही हूँ, आप फ्रेश कॉर्न से भी बना सकते हैं। हम थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे ताकि स्वीट कॉर्न का कच्चापन निकल जाए। अभी देखिए थोड़ा थिक हो गया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये करीब 4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, फ्लेम हाई कर रही हूँ मैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सूप अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब हम फ्लेम को लो कर रहे हैं और लो फ्लेम पर हम इसे करीब 8-10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ये लो फ्लेम पर इसे बॉईल होते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 3/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। और अगर आप बिल्कुल मार्केट वाला लुक चाहते हैं, होटल जैसा चाहते हैं, तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर ऐड करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, 2 टीस्पून इसमें सफिशेंट होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसकी स्लरी तैयार करेंगे। अब इस स्लरी को हम थोड़ा थोड़ा कर सूप में ऐड करेंगे और सूप को हिलाते जाएंगे।
फ्लेम हाई करेंगे। देखिए सूप की कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी हो गई है। अब एक दो मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देंगे। अब इस समय हम इसमें ये केबेज डाल रहे हैं, ये हमने चॉपर में एकदम बारीक कर ली है। इसे हमने आखिरी में क्यों डाला है ये मैं आपको ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स में बताऊंगी। अब बस एक आध मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर ढक देंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम सूप को देख लेते हैं। स्वीट कॉर्न सूप थोड़ा सा खट्टा भी होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। हम करीब हाफ टी स्पून इसमें विनेगर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बटर ओरेट करेंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न के साथ बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर रहे हैं, हमारा सूप रेडी है। और आखिरी में इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो वाइट पेपर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये करीब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ये देखिए हमारे सूप की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल होटल के सूप की तरह यह सूप बना है और बहुत ही स्वादिष्ट है। अब इसे हम सर्व करेंगे। आज हम इसे दो तरीके से सर्व करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा सूप, बहुत ही यम्मी है। अब एक तो आप ये इस तरीके से सिंपल सर्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दीजिए। आप इसमें लाइट वाली सोया सॉस ऐड कीजिए तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अलग ही टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सूप तैयार हुए हमारे। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो सूप बनाने के लिए आपको स्वीट कॉर्न लेना है, मतलब अमेरिकन वाले कॉर्न्स लेना है, क्योंकि वो मीठे होते हैं और इस सूप का नाम ही स्वीट कॉर्न सूप है, तो हमें मीठे वाले कॉर्न लेना है। अगर आप देसी कॉर्न का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर सूप बनाते समय उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप शुगर ऐड करिए। वेजिटेबल्स को आपको एकदम बारीक कट करना है। आपको स्वीट कॉर्न को ग्राइंड करते समय एकदम बारीक ग्राइंड करना है, आप चाहें तो उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जब हम सब्जियों को सोते करते हैं तो मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला था, फिर बटर डाला था। एक्चुअली में हमें बटर में सोते करना होता है, लेकिन अगर हम गर्म कढ़ाई में डायरेक्ट बटर डालते हैं तो बटर जलने लग जाता है और एकदम से इवोपरेट हो जाता है। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, फिर हम बटर को ऐड करते हैं, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कॉर्नफ्लोर को आप पानी में अच्छे से घोलने के बाद सूप में मिक्स करिए, और जब सूप में आप डाल रहे होते हैं तो आप सूप को लगातार हिलाते रहिए। कॉर्नफ्लोर सूप में ऐड करने के बाद आप 2 मिनट के लिए उसे बॉईल करिए, और बाद में आप पत्ता गोभी को आखिरी में ऐड करिए। जब आप फ्लेम को ऑफ करने वाले होते हैं उससे एक आध मिनट पहले ही ऐड करिए, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। अगर हम पहले से ऐड करेंगे तो बहुत ही नरम हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप सूप में सोया सॉस डाल के सर्व करने वाले हैं तो सूप बनाते समय आप नमक थोड़ा सा कम डालिए, तो आपका सूप एकदम परफेक्ट बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।